हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सड़क पे पड़ा तड़प रहा था बेचारा, किसी ने मदद नहीं की, नहीं तो बच भी सकता था। सर, उस शशांक का तड़पता चेहरा अभी भी आंखों के सामने खुल रहा है। हाँ सर, बिना बात के मौत हो गई। ऐसे सुनसान जगह पे फोटो खींचने अकेले नहीं जाना चाहिए। हाँ, जवान लड़का घर से निकला घूमने के लिए, दब दबे की फोटो ले रहा था, मारा गया। शशांक, शशांक क्या हुआ? मारू ढाकला, मारू ढाकला। कुनाला माला, दब दबे के पास, दब दबे के पास कुछ मार दिया। किसने मारा? पार्टी पप्पन। आराम से मारा किसी से? हाँ, दब दबा, दब दबा खतरनाक, दब दबा। शशांक, ये दबदबा कहाँ है? कहाँ पे है ये दबदबा? हाँ, भोसे घर। भोसे घर? 1000 फीट गहरा, जो गिरेगा वो मरेगा। शशांक, खून किसका हुआ? खून खून किसका हुआ शशांक? कैमरा, कैमरा है मेरा अंदर। कैमरा कहाँ, कहाँ है कैमरा? अरे सुनो भाई, ये हाँ साहब, ये इधर भोसे घर का रास्ता किधर? इतना सरल है सर, 25 किलोमीटर पूरे है। 25 किलोमीटर उधर दबदबा है क्या फिर? हाँ सर, मोटा दबदबा है। ओके, थैंक यू। और ऐसी खूबसूरत जगह में उस बेचारे का खून? हाँ, तभी तो फोटो ले रहा था यहाँ की वो, और एक नहीं दो दो खून। उसके खून का राज उस कैमरे में कैद है, और वो कैमरा यहीं कहीं आसपास होना चाहिए। कैमरा यहीं कहीं पानी में गिरा है, अंदर ढूंढो।
सर उसने कहा था कि झरना बहुत खतरनाक है। देखते हैं झरने के पास क्या हुआ है यार। हाँ सर, आवाज तो आ रही है, बहुत ही खतरनाक। संभाल के हैं। इस आदमी का खून यहीं पे हुआ है। हाँ, यहाँ पे मारा होगा। रुक, अबे रुक, कहाँ जा रहा है? रुका, छोड़ेगा नहीं तेरे को। पकड़ सुंदी। अरे पकड़, रुक, छोड़ना नहीं इसको। रुक, अरे भाग जा। रुक जा। यहाँ पे पकड़ा उसे, सिर पे डंडा मारा और कैमरा गिर गया। देखते हैं झरने के पास जाते हैं, आखिर हुआ क्या वहां। जगह तो वाकई बहुत खतरनाक है, मगर ये झरना 1000 फीट गहरा तो नहीं लग रहा। सर वो आगे वाला है। बहुत तेज है फिर डर लग रहा है क्या? नहीं सर, वो चक्कर आ रहा है सर। ऊपर खींचो।
जान खतरे में नहीं डाल सकता मैं, मुझे जाने दे, छोड़ना, मुझे जाने दे। कुछ नहीं होगा, ऐसा मत बोल, फोन कर। हाथ छोड़ दे, नहीं दोस्त, तुझे नहीं छोड़ सकता। अगर मुझे दिया तो मरेगी, छोड़। मैं नहीं जानता तुझे मरने नहीं दूंगा। निकल ऊपर खींच। यार, तुझे दोस्ती की कसम है तेरा। नहीं अभी, मैं तुम्हें मरने नहीं दे सकता। अगर तू नहीं छोड़ेगा तो मैं छोड़ा रहता। अभिजीत नहीं, नहीं अभिजीत, अभिजीत क्या कर रहे हो तुम? पकड़ के जैसा दोस्त और दूसरा तो नहीं मिला। ये भी क्या कह रहे हो? बंद जैसे ऑफिसर इसलिए मर सकते हैं, मैं ऐसे होने नहीं दूंगा। सर, हम भी अपनी जान दे देंगे सर। तो चलो साथ में नीचे। अभिजीत,
पानी बहुत गहरा था इसलिए बच गया यार। बच गए। एक बार सोचा हमारा क्या होगा? वहीं उनके निकल लिया तो, ये भी सोचा कि हम मर जाएंगे। सोचा था यार, इसलिए तो अपनी जान के लिए तुम सबकी जान खतरे में नहीं डाल सकता था यार। आगे से कभी ऐसा किया ना जी, क्या था? मैं आपको हमारी कसम, अगर अगली बार आपने ऐसा कुछ भी किया ना, हम भी अपनी जान दे देंगे। अभी जान देने का नहीं, काम करने का टाइम है। अभी जी तुम हॉस्पिटल चलो, तुम्हारी हालत खराब है, चलो। मैं ठीक हो गया, पहले पहले वो जो फोन कैसे हुए वो हम देख लेंगे, वो पता लगाना है। नहीं क्या कैमरा निकालो, कैमरा निकालो, कैमरा ये दबदबे के पास फोन हो रहा है, हमें जाना होगा, दबदबे के पास जाना होगा। अगर यहाँ पे किसी को मारा गया है तो फिर लाश कहाँ है? लाश वहाँ, चलो वहां देखते हैं। पता चल जाएगा ये जूता
होगा या जूता। अभिजीत सर, सतारा और आसपास की जगह से पिछले हफ्ते एक ही आदमी अपने घर से गायब हुआ है, उसकी फोटो मिली है। हाँ सर, उसके नाम मदन है सर, उसकी वाइफ ने से गायब होने की रिपोर्ट दिखवाई। पता नहीं जी ये जूता किस आदमी का है भी या नहीं। सर शायद उसका घर यहीं पर। सर एक सेकंड, ये गडकर गली कहाँ पर है? ये समोर है। ओह थैंक यू, वेलकम सर। यहीं पर सर, ये रहा सुबह एट, उसी का घर है। आप मदन की पत्नी हैं? हाँ, आप? हम लोग CID से हैं, मुंबई से। CID से? वो जिंदा तो है ना? देखिए कुछ कुछ कह नहीं सकते हैं। आप जरा ये जूता देखिए, ये जूता मदन का है ना? हाँ सर, इस पे तो खून लगा हुआ है। हाँ, मैंने कभी सीधा काम किया ही नहीं, कभी किसी से मारपीट की, कभी किसी से पैसे छीने। मदन जिस दिन गायब हुआ उससे पहले दो गुंडे आए थे उसे ढूंढते हुए। कौन थे? मालूम नहीं सर। अच्छा, श्रेया जरा वो चाबी दिखाना। सर ये चाबी हमें इस जूते में छिपी हुई मिली है, क्या आप जानती हैं ये किस चीज की चाबी है? मुझे तो नहीं मालूम। अच्छा, कोई और है जो इस चाबी के बारे में कुछ जानता हो? गिरीश बता सकता है। गिरीश? कौन गिरीश? गिरीश वही जिसने मदन को बिगाड़ा, उसने मदन को गुनाह करना सिखाया। अच्छा, मतलब ये दोनों ज्यादातर साथ में रहते हैं? हाँ, किसी बड़े आदमी से पैसे लेके उसके लिए गुनाह किया करते थे। अच्छा, इस गिरीश और मदन इनका कोई फोटो है आपके पास? देखती हूँ, शायद मिल जाए। दोनों की साथ में ही है, ये है गिरीश और ये मदन है। हाँ। अच्छा, ये गिरीश कहाँ रहता है कुछ मालूम है आपको? वो वाड़ा में काम करता है। वाड़ा? बड़े श्रीमंत लोग हैं, कुमुदिनी बाई साहब, उन्हीं के यहाँ पे काम करता है वो। ओह, वाड़ा। इस घर में कोई बिना बुलाए नहीं आ सकता है। जी। कौन है आप लोग और इस पूजा के दिन ही आने की क्या जरूरत थी? माफ करना, हमें मालूम नहीं था कि आपके घर में पूजा चल रही है। फिर बस चले आए ऐसे ही? नहीं, काम है बहुत जरूरी। अभी आप जाइए, फिर कभी आना। हमें एक चीज मिली है जिस पे खून लगा हुआ है। 'फिर खून लगा हुआ है' बोला तो हाथ से ये पूजा की थाली नीचे गिर गई। कुछ और बोलूंगा तो बवाल मच जाएगा। आप है कौन? हम लोग CID से हैं, मुंबई से। आप? मैं योगेश्वर।
इस वाड़े का मालिक। और अब ये मेरी पत्नी कुमुदिनी। देखिए सर, मामला बहुत गंभीर है और हम लोग बिना इंक्वायरी के यहाँ से वापस नहीं जाएंगे। देखिए, हम इज्जतदार लोग हैं। शायद एक खून हुआ है। लेकिन यहाँ पे क्यों? यहाँ आने की क्या जरूरत है? जरूरत है जरूरत। एक आदमी का खून हुआ है और जिस जगह उस आदमी का खून हुआ उस जगह से हमें एक जूता मिला है, खून से सना हुआ जूता। ये है वो जूता। आप में से कोई इस जूते को पहचानता है? बताइए, किसका है ये जूता? जितनी जल्दी हो सके आप लोग निकल जाओ यहाँ से, वरना नतीजा बहुत बुरा हो सकता है आप सब लोगों के लिए। चलो निकलो। आपको गलतफहमी हुई है, इनका बहुत ऊंचा नाम है, शहर के सारे लोग इनकी तारीफ करते हैं और आप बिना वजह इनको। एक मिनट, आप कौन? समीर, और इस फैमिली को मैं सालों से जानता हूँ। तो, मतलब आप इस घर के सदस्य नहीं? लेकिन घर वालों से भी ज्यादा है, हम साथ में बिजनेस करते हैं। जी, जिस आदमी का खून हुआ उसकी वाइफ ने हमें बताया कि उसका एक बदमाश दोस्त है, उसका नाम गिरीश है। एक के बाद एक थालियां गिर रही हैं। ये हाथ क्यों कांप रहे हैं आप सबके? जरा गिरीश को बुलाइए। गिरीश यहाँ नहीं है। तो फिर कहाँ है? दो दिन से छुट्टी पे गया है वो। अगर नौकर छुट्टी पे चला गया तो हम क्या करें? हाँ? आप उनका टेलीफोन नंबर ले लीजिए और चल पड़िए। हाँ, चलो भाई चलते हैं। सॉरी सर, सर आपने वो दिखाया नहीं? अरे हाँ, ये अब क्या है? इस चाबी को पहचानते हैं आप? इस पे HTW लिखा हुआ है। अरे सर, भाई ये तो हमारे घर की चाबी है। सर, हमारे वाड़े की सभी चाबियों पे HDW लिखा गया है। लो, हो गया काम। आपके घर की चाबी मेरी जेब में कैसे है? चुरा ली होगी। नहीं, ये चाबी इस जूते में रखी हुई थी, यहाँ पे। अब है कहाँ की ये चाबी? उस आदमी ने ये चाबी छुपा के रखी थी जूते में। ये चाबी जिस ताले की होगी वहां पे कुछ तो खास होगा। कहाँ की चाबी है? हमें मालूम नहीं है ना? हाँ। नहीं नहीं नहीं, लगता सीधे उंगली से घी निकलने वाला नहीं है इस घर में। इस घर के एक ताले को ये चाबी लगा के देखते हैं। चलो रुको, किसी को मैं घर में घुसने नहीं दूंगी। मुझे नहीं, प्लीज इन्हें इनका काम करने दे। CID ऑफिसर से ये ऐसे मानने वाले नहीं है। हाँ, चलो। हेरो, मैं भी आती हूँ आपके साथ। रुको यहाँ पे, कोई नहीं आएगा मेरे पीछे। वो रहा एक ताला। कुमुदिनी, पहला मैच ड्रॉ हो गया। जूते फड़फड़ा रहे हैं सर। चलो
लगता है कुछ मुसीबत आने वाली है। तो मुझे नहीं, अब तो सारे मैच ड्रॉ हो गए। और भी ताले हैं। हाँ देख लिए, छठा भी देखूंगा और सातवां भी देखूंगा और ये आठवां भी। हाँ हाँ, नौवां भी देखिए, दसवां भी देखिए। कितने ताले हैं हमारे घर में? पता नहीं, मैंने कभी गिने नहीं। ये भी नहीं खुला। अब क्या करें सर? सर, एक तहखाना है। तहखाना? नो, नो, वहाँ बिल्कुल भी नहीं जाने दूंगी मैं। वहाँ हमारी प्राइवेट चीजें रखी है। मगर हम देखेंगे सर। आप भी चलिए हमारे साथ। चलिए। मैंने इन लोगों से कहा था हंसने के लिए। पहले कहाँ थे? हम तो सालों से अमेरिका रहते हैं। हम यहाँ 3 महीने पहले ही शिफ्ट हो गए। तो फिर इस घर में कौन रहता था? गिरीश यहाँ की देखभाल करता था, वही रहता था। हमारा मतलब है कि उसने किया ये सब? और किसने किया? जरा उसका नंबर दे। पूरी बोलिए। 1795638 45। किसका फोन है? हमारा नहीं। हमारा नहीं। इसका मतलब गिरीश यहाँ पर? ठीक है सर, सुनता है।
दोनों बीबी बच रहे हैं। किसका फोन बज रहा है? सर मेरा नहीं, सर मेरा नहीं, पता नहीं किसका बज रहा है। फोन की घड़ी बाहर से आ रही है। फोन किसका बज रहा है यहाँ पे? फोन किसका बज रहा है? घंटे किसके बज रहे हैं यहाँ पे? क्या आवाज साहब? अभी कोई बात आ गई इधर से? अभी पैड निकाला, उसका फोन अभी भी ऑन है। देखो कहां कहां जाता है। बैठो पीछे बैठो। वो अभी यहां से निकला, ज्यादा दूर नहीं गया होगा। उसका मोबाइल ट्रेस हो रहा है? हाँ सर, सिग्नल आ रहा है। कहां पर? आगे सर, इसी रास्ते। राइट लेन, ओके ओके। सर लेफ्ट, सर ये वाला लेफ्ट। हाँ यहाँ पे, पर आसपास कोई दिखाई नहीं दे रहा। एक काम करो, चारों ओर फैल जाओ, देखो कहीं कहीं आसपास होगा। वो नॉक करके एक घास में फेंक दिया होगा। वो आदमी यहीं कहीं छुपा होगा, ढूंढो उसे। बच के जाना नहीं चाहिए वो। सर यहाँ नहीं है। वो आदमी गया तो गया कहाँ? कहीं ऐसा तो नहीं उसका किसी ने खून कर दिया? फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।